आज से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बिग बॉस। सोनिया राहुल समेत कई नेता की मौजूदगी में संभालेंगे कांग्रेस की कमान। आज सोनिया गांधी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देगी। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है। उनका अध्यक्ष बनना परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब है। वहीं अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। आने वाले कुछ दिनों में ही उनके सामने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं राजस्थान का सियासी संकट उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी उनके सामने 2 साल के भीतर कांग्रेस को फिर से जीवित करने की चुनौती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे एक नहीं बल्कि कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे पहली है राजस्थान का सियासी संकट। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से एक का चुनाव करना है। इसके बाद 2 बड़ी जिम्मेदारियां हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस समय केवल 2 राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि किस रणनीति के तहत खड़गे और राज्यों में कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हैं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उनका गृह राज्य कर्नाटक भी शामिल है। पार्टी में पीढ़ीगत आधार पर विभाजन भी एक चुनौती है और उन्हें अनुभवी नेताओं और युवाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यही नहीं, उन्हें गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने की धारणा को भी गलत साबित करने की चुनौती का सामना करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खड़गे 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो सिर्फ 2019 में लोकसभा चुनाव हारे हैं। वे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।